इस वीडियो में मैं आपको विलेज स्टडीज के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ। फोल्डर मटेरियल है, जगह जगह ड्रॉप कर सकते हो किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर जो पूछा जाएगा। मैं आपको वेरियस इंपैक्ट्स बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वेरियस स्टडीज ने हमें वेरियस इंपैक्ट्स के बारे में बताया। वेस्टर्नाइजेशन के इंपैक्ट के बारे में दो इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं, एक तो श्रीनिवास की और एक वाई सिंह की। श्रीनिवास ने बताया कि वेस्टर्नाइजेशन के इंपैक्ट में उसने जाके देखा कि मिडिल क्लास इंक्रीज हो रही है इंडिया में एंड पूरे गाँव वगैरह में भी देखा मिडिल क्लास इंक्रीज हो रही है। देन योगेंद्र सिंह वो बोलते हैं कि मिडिल की वेस्टर्नाइजेशन के इंपैक्ट में होमोजेनाइजेशन हो रही है कल्चर की, कल्चर काफी सिमिलर बनता जा रहा है। एंड देन कम्स माइग्रेशन, कि माइग्रेशन का इंपैक्ट, इस पे चार पांच इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये प्लीज याद रखना, कहीं लिख के रख लो। देन आईपी देसाई, आईपी देसाई बोलते हैं कि ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली रिप्लेस हो रही है फंक्शनल ज्वाइंट फैमिली से। फंक्शनल ज्वाइंट फैमिली क्या होती है कि एक छत के नीचे नहीं रहते, दैट इज कि कोहैबिटेशन नहीं है, ठीक है, कोहैबिटेशन नहीं है, एक छत के नीचे नहीं रह रहे, लेकिन डिसीजन मेकिंग ज्वाइंट है। कि इमेजिन करो कि पूरा परिवार पहले दिल्ली में रहता था, लेकिन अब बच्चों की जॉब लग गई बॉम्बे में, अब बॉम्बे में उन्होंने कोई जैसे बच्चों ने गाड़ी खरीदनी है या फिर बच्चों ने कुछ घर खरीदना है, तो दे विल आस्क देयर पेरेंट्स कि कौन सी गाड़ी लें, आपकी क्या राय है, कौन सा घर लें, कि डिसीजन मेकिंग अभी भी ज्वाइंट ही है, ठीक है, इसलिए फंक्शनली ज्वाइंट है चाहे कोहैबिटेशन नहीं है। ओके, देन आंद्रे बेते ही राइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि कास्ट इज डेवलपिंग क्रैक्स। कहते कि इंडिया में अगर हम बोलें कि क्लास आ गई है, कहते नहीं ये सही नहीं होगा, हाँ कहते इंपॉर्टेंट होती जा रही है, लेकिन अभी भी कास्ट इंपॉर्टेंट है, कास्ट इज डेवलपिंग क्रैक्स। आप ये डायलॉग पेपर में लिख सकते हो, दैट ये लिखते हैं कि क्लास दैट कास्ट हैज नॉट टोटली कोलैप्स्ड, कहते कास्ट अभी कोलैप्स नहीं हुई है बट इट हैज डेवलप्ड क्रैक्स। आगे हैरल्ड गुल्ड, इनकी स्टडी है ऑफ रिक्शा वालास ऑफ लखनऊ, बहुत ही फेमस स्टडी है, और ये बोलते हैं कि अब की कास्ट वीकन हो रही है माइग्रेशन के चक्कर में। कैसे? वो कहते हैं कि बहुत सारे जो हायर कास्ट लोग हैं अपने गाँव में होते हैं, गाँव में हायर कास्ट हो आप तो मीनियल जॉब नहीं कर सकते, बेइज्जती होती है बहुत कि हायर कास्ट क्योंकि ये क्या काम कर रहे हो, तो इसलिए क्या कहते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। जब माइग्रेट करते हैं अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सेंटर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, अर्बन सेंटर्स आर एनोनिमस इन नेचर, कि ये एनोनिमिटी प्रोवाइड करते हैं, इंसान की कास्ट नहीं पूछी जाती, तो इसलिए बहुत ही एक अच्छी खुशी की बात लगती है लोगों को कि हमारी कास्ट नहीं पूछ रहे, हम हायर कास्ट हैं लोअर कास्ट हैं, अब हम जो मर्जी कर सकते हैं। रिक्शा वाला की स्टडी में उन्होंने पाया कि काफ़ी लोग यहाँ पर हायर कास्ट के भी थे, इसलिए कहते हैं कास्ट वीकन हो रही है। अब हायर कास्ट इज़ नॉट रियली डूइंग हायर कास्ट वाली ऑक्यूपेशंस, ठीक है, ऑक्यूपेशनल जो कास्ट से जुड़ा हुआ सब वीक हो रहा है। करुणा अहमद, शी राइट्स अबाउट वेमेन, एंड वीमेन के बारे में बात करते हैं कि माइग्रेशन के चक्कर में वीमेन का स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, लेकिन बट ये क्या बताती हैं कि अभी भी वीमेन लो स्टेटस एंड लो इनकम जॉब्स में ही अटकी हुई हैं, जिसको हमने एक वर्ड भी देखा था पिंक कॉलराइजेशन, कि अभी वीमेन की पिंक कॉलराइजेशन हो गई है, लो स्टेटस लो इनकम जॉब में अटकी हुई हैं। एंड देन माइग्रेशन के बाद अर्बनाइजेशन को देख लो आप, अर्बनाइजेशन में आशीष नंदी ही राइट्स कि अर्बनाइजेशन के चक्कर में कास्ट मोबिलिटी के ऑप्शन आती है कि लोअर कास्ट के लोग भी अब ऊपर आ सकते हैं। एम एस ए राव ये लिखते हैं कि रेमिटेंसेस के फायदे, कि जो अर्बनाइजेशन के चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए। देखो अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन के पॉइंट इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, आप इसके वाले पॉइंट यहाँ डाल सकते हो, इसके वाले पॉइंट यहाँ डाल सकते हो, ठीक है जी। तो क्योंकि माइग्रेशन जनरली कहाँ से होती है, मेजरली रूरल टू अर्बन होती है, अर्बन टू रूरल, एंड ये तो बहुत ही रेयरली होती है, लेकिन कहाँ होती है, रूरल टू अर्बन, तो अर्बनाइजेशन के फायदे काफ़ी सिमिलर है। तो वो लिखते हैं कि रेमिटेंसेज जो लोग शहरों में आ गए उसके कारण क्या होगा, कहते जब वो शहरों से अपने पैसे घर वापस भेजेंगे रूरल एरियाज में, तो जो घर में जो पेरेंट्स पैसे रिसीव करेंगे उनकी इज्जत इंक्रीज हो जाएगी, प्रेस्टीज बढ़ जाएगी। ये रॉस ही राइट्स अबाउट कंज्यूमरिज्म, कि गाँवों में भी अब कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं। ओके, आगे ग्रीन रेवोल्यूशन और जो अपने लैंड रिफॉर्म्स पर हम बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स को लेके पीसी जोशी ही राइट्स, लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ था पर्टिकुलरली, एक एक्सटेंट ऑफ लैंड थी कि अगर आपके पास इस अमाउंट ऑफ लैंड से ज़्यादा लैंड अवेलेबल है तो आपकी लैंड आपसे सरकार ले लेगी एंड विल गिव टू लैंडलेस पीपल। तो इन्होंने लिखा कि लैंड रिफॉर्म्स का क्या असर हुआ, थोड़ा सोशलिस्टिक आस्पेक्ट ही है, थोड़ा सोशोलॉजिकल आस्पेक्ट सॉरी, कि वो कहते हैं कि एक तो फ्यूडलिस्टिक टेनेंसी डिक्रीज हो गई, एक्सप्लॉयटेटिव लीज इंक्रीज हो गई, कि सरकार ने जब किसी के जब ज़मीन किसी को और के नाम कर दी, तो अब मेरे पास जो ज़मीन बची थी मैंने उसको था कि उससे मैं किराया वसूलूं, तो इनके हिसाब से पीसी जोशी बिलीव्स कि एक्सप्लॉयटेटिव का राइज हुआ है लैंड रिफॉर्म्स के बाद से।
एंड कमर्शियल टेनेंसी आई है, क्योंकि जमीन अब मैं उस पर चाहता हूँ कि मेरे को, मेरे पास जितनी जमीन है मुझे उसके कुछ चार पैसे मिले अच्छे खासे, क्योंकि मेरी बहुत सारी जमीन शायद चली भी गई है, तो कमर्शियल टेनेंसी इंक्रीज होती है। एंड इंपॉर्टेंट बात के ओनर फार्मर्स आते हैं, ओनर फार्मर्स मतलब पहले जो फार्मर था वो अपनी अपनी खेत पर या अपनी जमीन पर खुद खेती नहीं करता था, किराए पे दिया हुआ था। तो लेकिन कहते हैं इसके कारण क्या हुआ कि सिंस जब ये लैंड रिफॉर्म्स में बहुत सारे क्लॉजेस थे और उसमें वो था कि जो टेनेंट्स थे या जो शेयर क्रॉपर थे उनको जमीन मिली, जी सरकार ने बोला कि अच्छा ये जमीन जो ओनर से लेकर जो जमींदार थे अब किसको दे दो, टेनेंट्स को या शेयर क्रॉपर्स को, जो सच में जमीन पर काम करते हैं और लेकिन बहुत एक्सप्लॉयटेड हैं। तो अब हुआ क्या, बहुत सारे जो ओनर्स थे उन्होंने खुद ही खेती करनी शुरू कर दी, क्योंकि हम ही वो क्या बोलते थे कि अब हम ही जी किसान हैं, हम ही खेती करते हैं, और बहुत सारे इसलिए शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट्स को एविक्ट भी कर दिया। हम एक पूरा वीडियो करेंगे इस पर लैंड रिफॉर्म्स के कॉन्सिक्वेंसेस पर। ओके, अभी बस ये पीसी जोशी का पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। देन ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लो। ग्रीन रेवोल्यूशन पे भल्ला चड्डा लिखते हैं, लुधियाना पंजाब में स्टडी करते हैं आके, ये बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी रिड्यूस हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन पर भी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, और क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, लैंड रिफॉर्म ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों पे वीडियो अलग अलग करेंगे, ठीक है। अनटचेबिलिटी कहते डिक्रीज हुई है इससे। जजमानी सिस्टम भी डिक्रीज हुआ, जो जजमान हुआ करता सेंटर में, जो सेंट्रल एक फोकल पॉइंट था विलेज का, कहते वो भी डिक्रीज हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। हेरिडेटरी प्रिविलेजेस पे बात वापस आ गई, क्योंकि अब फार्मिंग बहुत ही एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनता जा रहा था। तो ऐसा हुआ कि हम कि जो जिनके जो लैंडेड क्लास थी वो लैंडेड क्लास के साथ शादी कर रही थी कि हमारी जमीन कहीं बंट ना जाए और हमारी प्रॉस्पेरिटी में कहीं डेंट ना पड़ जाए। एंड देन राइज ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। रिलेटिव डेप्रिवेशन का राइज कैसे होता है, क्योंकि कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ जो बिग फार्मर्स थे, सरकार ने बिग फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करी ग्रीन रेवोल्यूशन में, उनको फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ प्रोवाइड किया, तो इसलिए बिग फार्मर्स दे बिकेम बिगर। तो जो स्मॉल फार्मर्स थे या मार्जिनल फार्मर्स थे वो बेचारे वहीं के वहीं रह गए, तो इनका गैप आपस का काफी इंक्रीज हो गया, डिस्पैरिटी इंक्रीज्ड अलॉट, ठीक है। बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन के हम कॉन्सिक्वेंसेस बाद में पढ़ेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास स्टडीज हैं, मैं आपको क्विकली दे रहा हूँ, 15-20 आसपास स्टडीज हैं, जितनी याद रह जाए पेपर में कोट करना, बार बार पढ़ते रहोगे आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर पहली है जो बेली राव एंड ओरान, इन्होंने कास्ट स्टडी करी डिफरेंट विलेजेस में। आंध्र बेते ने सोशल सर्टिफिकेशन स्टडी कहाँ करी है, विलेज श्रीपुरम, आपको पता होगा बहुत फेमस है। कैथलिन गफ, इन्होंने कुंभापेटी में क्लास स्ट्रक्चर डिस्कस किया, कुंभापेटी तंजौर के आसपास है, वहां पे इन्होंने बात करी, ठीक है। बेली पावर एंड पॉलिटिक्स, ये देखो याद रखोगे ना जगह जगह कोट करने वाले बात बन जाएगी, यू विल बी एबल टू कोट। एएम शाह फैमिली किनशिप जहानाबाद गुजरात, पेपर में यूपीएससी अलग से पूछ चुका है इसके बारे में। टीएन मदान कश्मीरी पंडित के रिचुअल्स पर स्टडी है। एंड देन तुलसी पटेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही लेटेस्ट एक बात है। एंड अमिताभ आविष्कार कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को किस तरह से रिजिस्ट करते हैं लोग, फूड हैबिट्स किस तरह से बदल रही हैं एटसेट्रा। मिल्टन सिंगर, ये तो चलो अलग ही एक टॉपिक है, आपने सबने पढ़ा होगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं बाद में। मिल्टन सिंगर का लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन पर कैसे इंडिया में इंप्लीमेंट हो रहा है। मैकिम मैरियट का यूनिवर्सलाइजेशन पे बात करते हैं। एंड पैरोकियलाइजेशन कि किस तरह से इनकी इंटरलिंकेज है, किस तरह से कुछ फिनोमेना यूनिवर्सलाइज हो जाते हैं, गांवों से निकल के बड़े बन जाते हैं, एंड कुछ तरह फिनोमेना बड़े फिनोमेना गांव में पहुंच के कुछ और बन जाते हैं, ठीक है जी। देन इस पे आप एग्जांपल्स भी मैं आपको कुछ कवर कराऊंगा। एंड देन उसके बाद ये टर्म कॉइन करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इंडिया में कुछ अलग तरह से हो रही है। टर्म क्या बोलते हैं, इंडियनाइजेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कहते हैं ऐसा नहीं जैसे यूरोप में हो रही है, इंडियनाइजेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ये टर्म बोलते हैं। विलियम वाइजर ये जजमानी सिस्टम को बताएंगे एंड कहेंगे जजमानी वॉज नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। विलियम वाइजर रिजेक्ट करते हैं आइडिया को कि ये एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है। एंड इलास्टिसिटी है, जजमान अपने आप को चेंज करता है। एम शाह एंड एम एन श्रीनिवास ये सेल्फ सफिशिएंसी को भी चैलेंज करेंगे, हमने पहले बात कर चुके हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी एक आइडिया दिया था कॉलोनियल हमारे जो आए थे मास्टर्स, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते अंग्रेजों के, अंग्रेजों ने हमें बोला कि इंडिया के जो विलेजेस हैं बड़े छोटे छोटे एटमिस्टिक लिटिल रिपब्लिक्स हैं एंड सेल्फ सफिशिएंट हैं, बाहर किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, फॉसिलाइज्ड हैं, बढ़ते ही नहीं आगे, वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो हमने बताया कि शाह एंड एमएनएस ने कि नहीं, सेल्फ सफिशिएंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे विलेजेस बहुत इंटरेक्ट करते हैं बाहर से, बड़े ही वाइब्रेंट हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज बता रहा हूँ मैं आपको, अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पॉज करके साथ साथ लिखते भी रहना, बार बार पढ़ते रहोगे रट जाती हैं चीज़ें। यू विल बी एबल टू क्रैम एंड यू विल बी एबल टू रीप्रोड्यूस। ये देखो जॉन ड्रेज एंड रितिका खेड़ा, इन्होंने मनरेगा पे बहुत काम किया, आप इनकी स्टडी के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर सकते हो कि मनरेगा एंड जो मनरेगा पे क्या क्या ड्रेज एंड खेड़ा ने कहा, इसके सेपरेट पॉइंट्स हैं, अभी थोड़ा सा टाइम की किल्लत है वरना मैं आपको बताता, ठीक है। ओके, आप बस लेकिन आप मनरेगा पे बोल सकते हो। इन्होंने बताया कि कुछ फ़ायदे भी हुए हैं कि जैसे लोअर कास्ट को फ़ायदे हुए हैं,
विमेन को फायदे हुए हैं काफी, लेकिन कुछ लूप होल्स भी बताते हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना विमेन एंड लोअर कास्ट को काफी ज्यादा बेनिफिट है मनरेगा से। न्यू एरियाज, विलेज स्टडीज में नए नए एरियाज कौन से आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, आप अपनी केस स्टडीज बहुत सारे जगहों पर विलेज स्टडीज को एंड कर सकते हो कि विलेज स्टडीज के एंड में कि अब नए नए एरियाज आ रहे हैं जिसपे हम स्टडी कर सकते हैं गाँव को, जैसे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या और है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो सरकार की पॉलिसीज हैं किस तरह से गाँव में पहुंचती नहीं पहुंचती, वोटिंग बिहेवियर के बारे में, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। दीपांकर गुप्ता के बारे में अगर मैं क्विकली आपको बता दूं, इन्होंने स्टडी करी 2000 में कि कास्ट इन इलेक्शन, बहुत ही एक प्यारा सा फिनोमेना, इसे मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा हुआ था कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, आपको पता होगा अजगर खाम माए, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, अजगर मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, अहिर जाट गुजर एंड आपने ये राजपूत के बारे में बात की होगी, देन खाम के बारे में मैं आपको वीडियो में बताया था, माए मुस्लिम यादव, खाम वॉज क्षत्रिय हरिजन, अहिर मुसलमान। तो वो कह रहे किस तरह से वेरियस कम्युनिटीज इकट्ठी हो जाती हैं एक डोमिनेंट कास्ट को हराने के लिए, जैसे मुस्लिम एंड यादव इकट्ठे हुए समाजवादी पार्टी के अंदर और हरा दिया उन्होंने किस बाकी जो कोलिशन बने। तो इसी तरह से आप कास्ट केमिस्ट्री का वर्ड, ऐसे मैं आपको एक वर्ड आपको एक और दे रहा हूँ, देख मायावती ने भी एक वर्ड इन्वेंट किया था, शी सेड शी इज डूइंग सोशल इंजीनियरिंग, कि सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको ये अखबारों में भी दिखता है वर्ड, ये सोशल इंजीनियरिंग कैसे करी, कास्ट सिस्टम में सबसे टॉप पे बैठे हैं ब्राह्मण्स, सबसे नीचे बैठे हैं दलित, मायावती ने क्या किया, दोनों को इकट्ठे कर दिया कि आप भी कुछ, आपका भला भी नहीं हो रहा प्रेजेंट रिजीम में, आपका दलित का भला भी नहीं हो रहा, दोनों को इकट्ठे कर दिया, एक सूत्र में बांध दिया अपनी पार्टी के अंडर। तो मायावती क्या बोलती है, सोशल इंजीनियरिंग, आप ये वर्ड पेपर में कोट कर सकते हो, अकेडमिक वर्ड ही है, ठीक है। तो ये था अपने पास विलेज स्टडीज के कुछ पर्सपेक्टिव, क्रिटिसिज्म भी अगले वीडियो में शुरू करते हैं। क्रिटिसिज्म आपको बस क्विकली देखो यहाँ पे क्या पढ़ा आपने, वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट, माइग्रेशन का इम्पैक्ट, अर्बनाइजेशन पे क्या कैसे असर पड़ता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म अलग से कवर करेंगे, कुछ बहुत सारी और स्टडीज, छोटी छोटी स्टडीज जो कि आप वेरियस पॉइंट पे कोट कर सकते हो, अपने आंसर में डेप्थ डाल सकते हो, एंड लेटेस्ट क्या चल रहा है इसके बारे में। चलो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ विलेज स्टडीज, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।